ये जो जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये तो बस एक ट्रेलर है भाई, ऐसी काफी और भी खूबसूरत खूबसूरत जगह यहाँ पे है। सही कहते हैं लोग, किसी अनजान जगह पे पंगे नहीं लेने चाहिए। और मैं ऐसे ना घूमता घामता मैं अंदर ही अंदर ऐसे रास्ते में आ गया, और यहाँ से आगे रास्ता ही नहीं है यार, ये देखो। आज तो भाई जो भी हो जाए मैं हिचहाइक करके जाने वाला हूँ, मैं लिफ्ट लेके जाने वाला हूँ, मैं आज नहीं करूँगा गाड़ी। देखते हो उत्तराखंड के लोग मेरे को लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं। ये आप देख रहे हो सामने, ये कटहल है। ये ऐसा होता है कटहल, मैं पहली बार देख रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे एक नए व्लॉग में। चार धाम के बाद सीधा हल्द्वानी आ गए, रोहित के घर में रुके हुए हैं। रोहित के घर में पास में ना यहाँ पे हिडन लेक है, बहुत खूबसूरत लेक है यार। लोकल लोग वैसे यहाँ पे नहाने के लिए जाते थे, लेकिन अब टूरिस्ट भी काफ़ी आने लग गए। मैं आपको वहाँ लेके चल रहा हूँ, दिखाता हूँ वो वाटरफॉल, वो लेक कितनी खूबसूरत है। वो आपको सामने दिख रहा हूँ, कुछ लोग नहा रहे हैं वहाँ पे, और अभी हम आपको वहीं लेके जाने वाले हैं। देखने में तो बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है मेरे को ना, रोहित ने वीडियोस वगैरह दिखाई थी, तो वीडियोस में बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा कि चलना यार। वैसे तो ये एरिया ना पूरा शमशान घाट का एरिया आपको दिख रहा होगा, वो पे सफ़ेद कपड़ा पड़ा हुआ है, वो किसी के कफन का कपड़ा है। और यहाँ पे दिख रहा होगा वो लकड़ियाँ, ये जो चिताओं में लकड़ियाँ चलती है ना, वो वाली लकड़ियाँ। और ऐसे कुछ रास्ते हैं यार, चप्पल पहन के हम आ गए, मेरे जूते तो रोहित के घर पे हैं। अब मेरे को रास्ता देखना, रास्ता कहाँ से है। रोहित और तो दूसरे रास्ते चले गए, मैं दूसरे रास्ते से आ गया, मैं भटक चुका हूँ यहाँ पे, मेरे को दिख भी नहीं रास्ता कहीं से जाने का यार। सही कहते हैं लोग, किसी अनजान जगह पे पंगे नहीं लेने चाहिए। और मैं ऐसे ना घूमता घामता मैं अंदर ही अंदर ऐसे रास्ते में आ गया, और यहाँ से आगे रास्ता ही नहीं है यार, ये देखो। अब यहाँ तो या तो मैं इसमें अंदर घुस के जाना पड़ेगा, तो पीछे से फिर से वापस होके आना पड़ेगा, और यहाँ से बीच में कोई रास्ता दिख नहीं रहा है यार। ज़्यादा वेट करके वो फ़ायदा नहीं है, चप्पल उठाते हैं अपने हाथों में और इसी में से पार चलते हैं यार। बस ये गहरा ना हो, बीच में दलदल ना हो, कोई नहीं पता लगे मैं इसी में डूब जाऊँ नहाने से पहले। भाई साहब चलते हैं यार, दलदल तो नहीं होगा इधर, नहीं है। चलो यार निकल गए आखिरकार। ये टूरिस्टिक प्लेस नहीं है, जो अभी क्या ना कि कुछ वीडियोस वगैरह यहाँ के बन गए, तो लोग अब लोग टूरिस्ट यहाँ पे आने लग गए। बाकी रोहित के घर मैं जब भी आता हूँ ना, तो इस जगह पे जरूर आता हूँ, क्योंकि जगह मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है। और अब तो ना काफ़ी अच्छी बात, लास्ट टाइम आया था तो ये पूरा ना ऐसे इस तरीके से नहीं बना हुआ था, जिस तरीके से ऐसे पत्थर लगा के ना मेड़े लगाई हुई हैं। और इस पानी में से मछली की स्मेल काफ़ी आ रही है, काफ़ी छोटी छोटी मछलियाँ इसमें हैं। ये जो जगह पड़ती है नैनीताल में, नैनीताल में काला डूंगी करके जगह है, काला डूंगी के पास एक धमोला गांव है, धमोला गांव में ये जगह है। और अगर आप कोई आना चाहते हो तो आ सकते हो भाई। ओह भाई नाक में पानी घुस गया सारा, पानी काफ़ी ज़्यादा है इसमें, पीछे की तरफ तो पानी नीचे नीचे तक घुटनों घुटनों तक, लेकिन यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा पानी आ गया भाई साहब। पानी काफ़ी साफ है यार, क्योंकि पूरा नेचुरल पानी ना, पूरा ये पूरा जो एरिया है ना, ये जिम कॉर्बेट के आसपास में पड़ता है, नैनीताल का एरिया है। और पानी जब मुंह में जाता है तो पता लग रहा है पानी का स्वाद, बिल्कुल मीठा पानी, बिल्कुल साफ पानी है। तो एक बार मैं आपको अंदर लेके चलते हैं, अंदर की दुनिया दिखाते हैं। ये हो रही है तबाही, ये हो रही है अंडरग्राउंड वाटर ट्रेनिंग। वैसे रोहित तो हमको बोल के लाता है कि हिडन लोकेशन है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा कि हिडन लोकेशन है, काफी सारे यहाँ पे लोग आए हुए हैं। यही क्या हो गया भाई, कह रहा रोहित ने सूचना बता दिया तुम्हें। कहाँ से हो यार आप लोग, कहाँ से? बाजपुर। बाजपुर लगभग हमें ना एक घंटा हो गया यहाँ पे नहाते नहाते, और काफ़ी मज़ा यार, काफ़ी दिनों बाद ना किसी ऐसी जगह पे मैं आया हूँ। लोग तो वैसे काफ़ी ऊपर तक जाते हैं, ये जो आपको पत्थर दिख रहे हैं ना, इससे पीछे की तरफ भी लोग हैं गए हुए हैं। और यहाँ पे हमने सामने सामान रखा हुआ था। कहाँ से यार, कहाँ से आए हो? उत्तराखंड से आए हो? मुझे लगा पंजाब से आए हो यार। मुझे लगा पंजाब से आएगा भाई। नहीं, आप कहाँ से हो? मैं फरीदाबाद, उत्तराखंड से ही हूँ, फरीदाबाद रहता हूँ। फरीदाबाद क्या बात। तो ये नहा धो के हम वापस चल रहे हैं, और काफ़ी मज़ा सा आ गया यार। और रोहित का नुकसान हो गया, रोहित चश्मा पहन के कूद गया पानी में हवाबाजी में, उसका चश्मा कल ही डिकैथलन से खरीद के लाया था। रोहित कितने का था? 1000 रुपये का। पहली बार जिंदगी में तूने इतना महंगा चश्मा खरीदा? पहली बार मैंने इतना महंगा चश्मा खरीदा यार। ऐसे कुछ रास्ते थे यार इस जगह के, वैसे ही ये जो जगह थी ना, ये काफ़ी हिडन जगह थी। रोहित बता रहा था कि मैंने यहीं पे स्विमिंग सीखी है, मैंने यहीं पे स्कूलिंग करी है। स्कूलिंग करी है इसका, स्कूलिंग मतलब ये बंक मार के यहीं पहुँचता था। मेरे को ना काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखी, जो मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको भी दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हो सामने, ये कटहल है।
ये ऐसा होता है कटहल में, पहली बार देख रहा हूँ। इसकी डंडी देख रहे हो, इसके तने कितने मोटे मोटे हैं यार, और जिसपे लटके हुए हैं ना ये भी काफ़ी मोटे मोटे हैं। देखो इसके कुछ ऐसे लटके हुए, और एक पेड़ पे काफ़ी सारे ऊपर है। देखो ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खी का छत्ता होगा यार। और ये ऐसी जो नहर देख रहे हो, ये ना पूरे गांव में ऐसी नहर आ रही है, जिस जगह भी हम नहाने गए थे ना उसी जगह से पूरी नहर आ रही है। और पहले तो ना जब लोग यहाँ पे लोग जो सप्लाई का पानी नहीं आता तो इसी में से लोग पानी पीने का खाने का सब कुछ इसी में से यूज़ करते थे। तो भाई यार अभी हम आए हैं रोहित का ना केक लेने। रोहित ना 50K सब्सक्राइबर की अपनी पार्टी दे रहा है, तो उसके लिए केक हमने ऑर्डर किया था और केक रेडी है। तो भैया ऐसा कुछ केक है, केक ले लिया और केक लेके ना हम निकल रहे हैं फटाफट। और जहाँ पे पार्टी है ना वहाँ पे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो गए, और रोहित भाई की गाड़ी में जाएगा और मैं इस गाड़ी में निकलता हूँ। भाई रोहित का केक तो हम ले गए, लेकिन केक कुछ सामान भूल गए तो ना रेस्टोरेंट से दोबारा वापस आए हैं। तुषार भाई की शॉप है यहाँ पे, और यहाँ बर्थडे के आइटम सारे मिल जाएंगे आपको। जो भी आपको चाहिए जो हल्दानी में नहीं मिल पा रहा है वहाँ एक बार पता कर लीजिए, यहाँ आपको कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। 50K वाला जो लगाते हैं ना वॉल पे वो रह गया था, वो उठा लिया आपने? रख लिया, ये रख लिया, ये है। तो भाई कुछ सामान रह गया था उठा लिया है, भाई की दुकान पे मिल गया, तुषार भाई की दुकान पे अभी चल रहे हैं यहाँ से फटाफट से होटल में। सबसे पहले ये बताओ कि 50K सब्सक्राइबर हो गया, वो कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, पहले वीडियो ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अभी बहुत अच्छा लग रहा है। तो कितना इजी है 50K सब्सक्राइबर करना? इजी तो नहीं है, बट क्या कहते हैं मतलब अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। चलो भैया केक काटने की तैयारी करते हैं, ठीक है? ये करते रह जाओगे तो यार, चलो भैया एक नई शुरुआत। लास्ट बात, आप सभी लोगों का जितने भी लोग यहाँ पहुँचे और जितने लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए वीडियो के माध्यम से देख रहे ना, तो आप सब लोगों का दिल से धन्यवाद। ऐसे ही प्यार देते रहना, और अपने उत्तराखंड के जितने भी लोग हैं उत्तराखंड के बाहर कहीं भी सबको प्यार दो, इस लायक बनाओ कि वो लोग मतलब ऐसे सेलिब्रेट कर सके। आपको बताया कल हम रात को रोहित की पार्टी में थे। रोहित मेरे एक फ्रेंड है जिसके 50K सब्सक्राइबर हुए थे, तो उसने एक सेलिब्रेशन रखा था, छोटा सा मीटअप रखा था अपने सारे जो हल्द्वानी के उसके दोस्त हैं उन सब के लिए। तो उसी की सेलिब्रेशन में गया हुआ था हल्द्वानी, फिर हल्द्वानी से मैं ना कल मतलब आज ही सुबह सुबह 4 बजे निकल गया था कोटद्वार के लिए। हल्द्वानी से मुझे कोटद्वार के लिए बस मिल गई, तो हल्द्वानी से जो कोटद्वार बस जाती है वो रामनगर होते हुए जाती है। और इस टाइम अभी हम जसपुर में, सुबह 5 बजे ये बस चली थी हल्द्वानी से, और इस टाइम अभी हम जसपुर में रुके थे खाना खाने के लिए। खाना वाना हमने खा लिया है, बस का निकलने का टाइम हो गया, बस में चलते हैं। और अभी यहाँ से जसपुर से हम लोग जाएंगे कोटद्वार, फिर कोटद्वार से हम मेरे को पकड़नी है गाड़ी पाबो के लिए। पाबो या पौड़ी कोई भी मिलेगी हम वहाँ से चल देंगे। बाकी यार उत्तराखंड जो अगर आप जाते हो गढ़वाल साइड से जाते हो तो रोडें काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं गढ़वाल साइड में, लेकिन कुमाऊँ साइड में जो रोडें हैं ना वो काफ़ी पतली पतली है, मतलब सिंगल लेन। तो बस हमारी निकलने लग गया, चलते हैं बस में। यही वाली बस है जो आप पीछे देख रहे हो ना, टैक्सी में जाना है ठीक है, नहीं तो सामने जम्मू स्टेशन है, कोई गाड़ी होगी वहाँ बता रहा। कोटद्वार पहुँच गए, और यहाँ से इस टाइम पे रोडवेज वगैरह बस नहीं है, कंडक्टर जो बस के ड्राइवर थे वो बता रहे थे, तो यहाँ से अपना टैक्सी पकड़नी पड़ेगी। फाइनली हम पहुँच चुके हैं पौड़ी, लेकिन यहाँ से ना कोई गाड़ी नहीं है पाबो के। जितने भी लोगों से मैं पूछ रहा हूँ सारे बोल रहे हैं कि बुकिंग में जाना पड़ेगा, और 1600 रुपये मांग रहे हैं 25 किलोमीटर का। यहाँ तो कोई 4 धाम के यात्री भी नहीं आते भाई, यहाँ पे क्यों इतना मांग रहे हो 1600 रुपये यार 25 किलोमीटर के? मानने वाली बात है, वो भी टैक्सी नंबर नहीं थी, ऐसे कोई रैंडम बंदा था। अब मैं वेट कर रहा हूँ, आज मैं सोच रहा हूँ हिचक ट्राई करता हूँ, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी हिचक नहीं किया। खड़ा हूँ, जो गाड़ियाँ निकलेगी ना पाबू के लिए वो यहीं से निकलेंगी सिर्फ से, और जिस जगह पे मैं उसको पौड़ी बोलते हैं, पौड़ी ना उत्तराखंड का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, काफ़ी बड़ा और काफ़ी हाई एल्टी पे है। मैं आपको दिखाता हूँ पीछे घुमा के कैमरा, वैसे तो कोई लिफ्ट दे ही ना दे, लेकिन मुझे इतना तो पता है कैमरा देख के तो लोग थोड़ा थोड़ा बहुत लिफ्ट दे देते हैं, मतलब कैमरे की इतनी पावर तो है, तो कैमरा हाथ में रख के लिफ्ट मांगेंगे लोगों से। और सामने से दो गाड़ियाँ आ तो रही हैं, पता करते हैं इनसे ये पाबो जाएगी कि नहीं जाएगी। पाबो जाएगी क्या भैया? कोई गाड़ी नहीं मिल रही यार पाबो की, क्या सीन है, क्या सीन है, समझ नहीं आ रहा। मतलब अपना उत्तराखंड यार अपने गांव में कोई जाने के लिए 1600 रुपये मांग रहे यार, मैं बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने उस बंदे को बोला इसने मेरे से मांगना, मैंने कहा भाई शर्म वरम है कि कुछ नहीं है, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया यार, चाहता तो मैं उसकी बैंड बजा देता, क्योंकि अब तो हमको सारी बहुत चीज़ें पता है ना कि उत्तराखंड में क्या चल रहा है। मैं पुलिस वाले ने अपने नंबर भी दिए हुए हैं कि अगर पूरे उत्तराखंड में आपको ट्रैवल करते हुए कोई भी आपसे ओवरचार्ज करे, आपको आपसे एक्स्ट्रा पैसा मांगे, हमको बताना, गाड़ी सीज जाएगी बंदे की। पापा
तैयार नहीं है यार, बड़ा गंदा सा लग रहा है मेरे को, मैंने कभी चेक किया नहीं है और ऐसे में सारी गाड़ियों को हाथ दे रहा हूँ, मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं यार, यूट्यूब करने के लिए ना आपको बेशरम बनना पड़ता है मेरे भाई। मैंने बहुत जगह मैं बेशरम बना हूँ, लेकिन हिचेक मैंने पहले किया नहीं ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा है। आज तो भाई जो भी हो जाए मैं हिचेक करके जाने वाला हूँ, मैं लिफ्ट लेके जाने वाला हूँ, मैं आज नहीं करूँगा गाड़ी। देखता हूँ उत्तराखंड के लोग मेरे को लेके जाते हैं कि नहीं लेके जाते हैं। भैया अब समझ में आ रहा है हिचेक ना इतना ईजी नहीं है, बहुत टफ है यार। जो लोग करते हैं ना हिचेक पता नहीं कैसे करते होंगे, लेकिन ना धीरे धीरे आदत पड़ जाती है। मतलब मैंने लोगों की वीडियोज़ में देखा उनको दो दो तीन तीन घंटे चार चार घंटे हो जाते हैं किसी जगह पे हिचेक के लिए, मतलब लिफ्ट करते हुए, लेकिन उनको गाड़ी नहीं मिलती है, फिर वो लोग पैदल भी जाते हैं, कई बार लोग स्टे भी कर लेते हैं। तो आज तो तुम्हारा भाई हिचेक करते हुए जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए हिचेक ही करेंगे हम पौड़ी से पावो तक। 15-20 मिनट हो चुके हैं, कोई गाड़ी रुक नहीं रही है, रुक तो रही है लेकिन कोई जा नहीं रहा उस तरफ को। लेकिन मैंने ना किसी की वीडियो में देखा था, किसी के ब्लॉग में देखा था, अगर आपको ना एक जगह पे खड़े खड़े आपको लिफ्ट नहीं मिलती है तो आप जो जगह चेंज कर लो, हो सकता है वो जगह ही मनुष्य, तो हम भी जगह चेंज कर लेते हैं। भैया एक बंदे ने लिफ्ट तो दिया, वो भाई जा रहा है बुबा खाल तक। तो ये भाई हैं, थैंक यू भाई, क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप, कुलदीप भाई हमें बुबा खाल तक छोड़ेंगे। बुबा खाल कितना है यहाँ से? 5 किलोमीटर यहाँ से, और वैसे जो पावो है वो यहाँ से 25 किलोमीटर लगभग है। 5 किलोमीटर तो भाई छोड़ देंगे, फिर 20 किलोमीटर आगे जाना है। वैसे मैं गाड़ी बुक करके भी जा सकता था, लेकिन मैंने आज सोचा हुआ था कि आज मेरे को ना हिचेक करके ही जाना है, तो इसलिए मैंने बहुत ही से खड़ा था। मैं वैसे यहीं का हूँ, पहाड़ों का ही हूँ, पापू का, तो मैं सोच रहा था कि आप अपने उत्तराखंड में देखते हैं चेकिंग पॉसिबल है कि नहीं है। तो यार कुलदीप भाई हमको मिले थे, कुलदीप भाई ने हमको बुआ काल तक लिफ्ट दी है। पौड़ी से बुआ काल 5 किलोमीटर था, 5 किलोमीटर 25 किलोमीटर का हमारा सफर था, 5 किलोमीटर कट गया। अब देखते हैं खड़े होकर कोई और लिफ्ट मिलती है तो निकलते हैं, और आज मैं ही चेकिंग करके ही पहुँचने वाला हूँ पापू। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। साइकिल लिफ्ट मिल गया, और ये गाड़ी देखो अपने ही का नंबर है यार, HR51 मेरे को देखा, मैं भी फरीदाबाद को, HR51 है हमारे एरिया का नंबर है। तो भैया मिल गई HR51 से, तो मैं गया इनके पास और भैया ने लिफ्ट दे दी मेरे को। तो ये आज हमारी आज की ये सेकंड चेकिंग है। थैंक यू भैया। आप किधर से? फरीदाबाद में किधर से? मैं सेक्टर 56 से हूँ। सेक्टर 56? हाँ, सेक्टर 55 के पास ही है, मतलब हमारे घर के आस पास के हैं भैया। और आप कहाँ तक जा रहे हैं? त्रिपाली साइड, पावो बीच में पड़ता है। चलो यार ये बढ़िया हो गया, चलो सीट बेल्ट बांधते हैं, फिर भैया से बातें करते करते चलते हैं। थैंक यू सो मच, बल्कि अच्छा लगा आपसे। बैग उठा लेता हूँ मैं, थैंक यू, बाय। भैया पावो तो पहुंच गए, भाई ने लिफ्ट दे दी पावो, अभी यहाँ से बिसलने के लिए कोई गाड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी वो पता नहीं, बाकी पता कर लेते हैं। सामने वहाँ देख वो जो गाड़ी लगी हुई ना, वहीं से गाड़ियाँ मिलते हैं बिसलने के लिए। बाकी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, हो सकता है कि गाड़ी ना मिले यार।